मॉर्निंग स्टार हाथी मरा के जो प्रिंसिपल साहब है कर्नल यूसुफ, आपने तरफ से इस गोल कीपर के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 600 रुपए से सम्मानित करते हुए याद रखें 2023 में क्या कुछ होने वाला है। सार्जम बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में एक नई उमंग, एक नई जोश के साथ हम लोग यहाँ एक बार फिर से पुनः एक नए संस्करण में हम लोग यहाँ आएंगे और आने वाले साल में हम लोग देख पाएंगे। प्राइज मनी में इंक्रीज किया गया है 1 लाख का इजाफा, जहां इस साल 3 लाख है प्रथम इनाम, जबकि 2023 में इसी ग्राउंड में 4 लाख चैंपियन प्राइज रहेगा और जबकि रनर प्राइज के तौर पर 3। आप लोग याद रखें 3, 4 और 5 मार्च, माफ कीजिएगा फरवरी, माफी मैं चाहूंगा क्योंकि इस साल जो मार्च में जो खेल हुई है ये आप लोगों के विशेष निवेदन पर फरवरी माह के 3, 4 और 5 फरवरी को आप लोग याद रखें 2023 में नहीं किया गया है। जो इस साल का जो एंट्री फी है 24,999 रुपये वही रहेगा, सिर्फ प्राइज मनी में इंक्रीज किया गया है, 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 4 लाख रहेगा फर्स्ट प्राइज। तो इन लोगों के प्यार के बदौलत ही संभव हो पा रहा है। फिर हो सकते हैं ये खिलाड़ी बीरभूम की टीम को पूरी तरह से यहाँ मशक्कत करना पड़ा हाफ लाइन को उस खिलाड़ी को रोकने के लिए। ग्यारह नंबर जर्सी में प्रहलाद और 7 नंबर जर्सी में फिगो को इतना ऊंचा कर दिया है कि यहाँ पर विदेश से खिलाड़ी हमारे बीच खेलने के लिए वो यहाँ आते हैं। और 9 नंबर जर्सी जॉन और विदेशी मूल के खिलाड़ी यहाँ उच्च लंबे कद के खिलाड़ी 3 नंबर साफ किया था। लाकी विजय बॉल कंट्रोल ड्रिबल थ्रू लहा से इनल लाकी बर जस्ट की भिड़ा का यते नडा बैक पास का हेरी लगी एरिया दो लॉन्ग पास लेकिन विपक्षी खिलाड़ी आ बंगाल में मैदान में कंट्रोल रे बॉल और निकल दिया। अब देखना है क्वार्टर राउंड से सेमीफाइनल में बोलो जगह बनाने के लिए एक बड़ा पंच मारना पड़ेगा। ठीक है यार और विलियमसन गेंद को नीचे नहीं दबा पाए और इस बार बॉल प्रेडेशन बहुत ही सुंदर बॉक्स के अंदर मुंडा और इस बार बॉल देखे जीत गति से एक गेंद को अंदर उड़ीसा की टीम ने पूरी तरह से वीरभूम के डिफेंडरों को पूरी तरह से बिजी रखा है, अपने ही हाफ में पीछे की ओर बैकफुट पर आने के लिए मजबूर किया है। इसका मतलब लगातार हमले पे हमला कर रहे हैं।
विजय, मैंने पहले ही कहा ये लीग मैच खेलते हैं खिलाड़ी, कोलकाता लीग जैसे खिलाड़ी, दुर्गापुर लीग जैसे कि आप 6 नंबर में मुन्ना मरंडी को आप देख रहे हैं, वो भी बहुत ही बड़े नाम है, और बाबूलाल हंसदा को आप कैसे भूल सकते हैं। साथियों, मेरा फुटबॉल चैंपियनशिप में इस खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन, अभी से नहीं 2-3 सालों से अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। पहले ये टीम दुर्गापुर के टीम से भी इस मैदान पर आते रहे हैं, इन सभी खिलाड़ियों को मैं अच्छी तरह से मैंने देखा था और प्रदर्शन बहुत ही सुंदर। और मुन्ना लॉन्ग पास, लेकिन ज्यादा तेज गति, ज्यादा ओवर हिट वहां देने की कोशिश में गोलकीपर के समीप जाती हुई, जेब का क्लियरेंस अपने हाथ से, बॉल कंट्रोल जरूर करना चाह रहे थे। इब्राहिम हसीबुल की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पहले हाफ में गोल मारना पड़ेगा, एक तरह से यस कॉर्नर ही हाथ कर सकता है। और ठीक हो शॉट के लिए तैयार है विजय सिबुल के, एक बहुत ही अर्पण बोला खिलाड़ी, पुरंदर खिलाड़ी, विपक्षी खिलाड़ी के बॉडी से बनने करा करके एक कॉर्नर को हासिल किया है, और गौरी लामा ने गेंद को बॉक्स के अंदर, लेकिन फॉरवर्ड के खिलाड़ी, यही खिलाड़ी को मैं बोल रहा था बाबूलाल हंसदा, एक पास, लेकिन यहाँ और गोलकीपर बिट्टू किस्कू ने कमाल का बुद्धिमानी चालाकी दिखाते हुए गेंद को बाहर निकाला, खिलाड़ी के लिए गेंद को बढ़ाया बाबूलाल हंसदा, को सिखाते हैं। लेकिन जुबे गुड़ा जिस तरह से ग्राउंड को कवर कर रहे हैं हाफ लाइन से, फुलबैक से काफी प्रभाव किया है जुबे ने, इस तरह से अच्छा पास, क्या गोल मारने के लिए खिलाड़ी, एक पास शॉट किया, लेकिन दो पता हो प्रोहित लम्बा जरूर लगे हुए हैं हाफ लाइन के, प्रोहित लम्बा सामने रहे जोरी बाई से का फॉर्म नारी दिया, 15 नंबर से ले एरी भी बाबूलाल हंसदा बोले जीतो दस बार कॉर्नर की इनिशिएटिव तेरा प्रभाव होगा, मैं कहा जहां तक कोई फायदा बा कोई क्षति बा नहीं है। बॉल आया कंट्रोल रहा गुल के गुरबटो ले गया था, लेकिन पार पोस्ट के एरिया रहे जरूर उन्हें पुरोहित लंबा था इतना, हालांकि अल्बर्ट नया है बाबूलाल जेब उन्हें बोले जीतते थे। और इसी के साथ ये फर्स्ट हाफ की सिटी बची हुई, और इस क्वार्टर राउंड जैसे खेल में भी एक गोल बहुत ही महत्वपूर्ण गोल, दुर्गापुर नंबर हाइस्ट स्कोरर सीरे का रफ्तार है साधन, आर मुन्ना मुन्ना मरंडी और मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ बॉल वीरभूम वेस्ट बंगाल की टीम उलट फेर कर सकते हैं, और इस तरह से
एक एक की बराबरी भी हो गई है। क्या रोमांचक मुकाबला, हाई प्रेसिंग वाला मुकाबला, दोनों टीम इक्वलाइजर। तो बता एक एक गोल का तेनवा मिलते हैं बराबरी है और उठाइए तेनों की ना नतीजा जी हुई हुआ फिगो किया, बहुत बेहतरीन बनाया था, रन बना करके टॉप एंगल में गेंद को गोल करने के काफी करीब पहुंच गए थे बाबला संस्था। मैं समझता हूँ इतना बेहतरीन यहाँ टूर्नामेंट आयोजित हुई है, खिलाड़ियों को नहीं देख पा रहे, इतना बड़ा एक तरह से मैं तो समझूंगा कि इन सभी के त्याग को सलाम करना पड़ेगा। स्टैंड में जो भी काम कर रहा है सभी हमारे सम्मानित उन सभी वॉलंटियर्स और यहाँ पर ये खिलाड़ी अगर गोल दाग देते तो मैच का मोमेंटम कुछ और होता। नॉकिंग शॉट ना किया जा रहा है, जरूर यहाँ एक दबाव बनाए हुए बस कांता सोहा लगा।